बोलो क्या बोलूं, मुझे नहीं जाना था घर पे। यार, माता चलो यार, सन्नी देख रही कितनी है। बोलो हेलो फ्रेंड्स से वीडियो शुरू होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउसवाइफ क्रिएटिविटी। अभी आज हमारा यहाँ 7वां दिन है शायद। हाँ, ठंड काफी हो रखी है। आज मैंने अष्टमी का व्रत भी किया हुआ है, तो जाने का मन भी नहीं है, बट मान्या जो है जिद कर रही है कि चलो। वैसे भी मैंने सोचा था कि बाहर मंकीज हैं, उनकी वीडियोस बनाती हूँ, तो चलते हैं देखते हैं। आए हैं वो बाहर के नहीं, अंदर में ठंड है बट बाहर धूप निकली हुई है। कारण इसका साफ है कि 3 दिन पहले यहाँ बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से ऊपर पहाड़ों पे बर्फ गिर गई है, तो धूप की वजह से वो पिघलने लगी है, तो इसलिए ठंड बढ़ गई है। आप देख रहे हैं कि मंकी वहीं बैठे हैं, यहाँ यहाँ धूप है और इनकी एक्टिविटीज़ देखो। ये देखिए, यहाँ खूब धूप लग रही है तो वहाँ बैठे हुए हैं। ये जो साइड है, ये मेरा जो हम यहाँ स्टे किए हुए हैं उसकी बैक साइड पे है। तो ये एक ग्रुप है मंकीज़ का, यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स में मंकीज़ घूमते हैं। तो ये देखिए, ये बच्चों वाली अच्छे है, भैया इस आवाज साइड से निकाल रहे निकल हैं। जाएंगी। अब मैं अपने जो घर के फ्रंट साइड में आ गई हूँ, ये मेस है। तो मेस में क्या है, खाना बनता है, तो मंकीज़ यहाँ रेगुलरली सुबह और दोपहर को शाम को तीनों टाइम आते हैं, इनका एक टाइम फिक्स हो रखा है। क्लोज करके लेना जैसे खाते हैं। बचा हुआ खाना भैया लोग इनको डाल देते हैं, तो ये इनके हाथ से भी खा लेते हैं। ओ बच्चे वाले को ये भैया एक इधर डाल के, दूसरा बच्चे ग्रुप वाले को है। ना इधर डाल, अकेले को बने, इसको अकेले को कवर करो। ये देखिए, अपने बच्चे को बैग पे रखी हुई है। हाथ से भी ले हर एक लेते, ग्रुप का एक सरदार उसको होता कुछ है। नहीं मिला। किंगडम इन्होंने ना ये कर आई रखा थिंक होता उनका है, ये सरदार आ मेरा और गया ये है। इसका। सुझाव भैया ने बताया तो ना, बाकी के मेंबर मुझे पता है ना, मैं साइड देखूंगी में फिर देख होके लूंगी। उसकी रिस्पेक्ट के मारता लिए। है भैया ये, मैंने इसको लिया बड़े से, इसके हाथ से ले लेगा। अरे तो भैया बता रहे हैं कि इसका नाम रामू है। वाह, ये हाथ से खाना खा इसको लेते देख लिया। हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है ये। भैया एक को तो मिला ही नहीं, उससे डर रहे हैं ना वो लोग। नहीं एक को बिल्कुल ही नहीं मान्या मिला, को भी ट्राई करना भाग चाहिए गया एक वो, बार। उधर जा रहा है देखो। ये काट लेगा ना, उनको खिलाएंगे नहीं। ये मारेंगे, मारेगा ना, और वो खाएंगे भी नहीं इसकी परमिशन के बिना। हाँ भैया हम भी ना हाथ से खिला सकते हैं, हाँ खा हाँ खाएंगे, मारेंगे तो नहीं, नहीं पक्का? आऊँ मैं, हमें पकड़ो। सोमान्या जा रही है खिलाने। कल लास्ट व्रत है, मैंने पूजा, कन्या पूजन करना है। कन्याएं यहाँ मिलेंगी नहीं, मंदिर भी जाना है, यहाँ हमारे कैंप में ही मंदिर है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल सारा जो प्रसाद मैंने बनाना है वो इन मंकीज़ को मैं खिला दूँगी। ऐसे तो मैं 9 कन्या पूजती हूँ, तो मैं 9 जो थालियाँ हैं वहाँ सजा दूँगी। देखती हूँ कल ये मुझे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो ये देखिए, मान्या ट्राई कर रही है इसको खिलाने की। देखिए कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं वे, कहीं ये जो छत है इसके ऊपर इतना भगदड़ मचती है, इतना झगड़ा करते हैं ये आपस में। मान्या के एक था उसको वहां पे खाने नहीं दिया दूसरे वालों ने, और एक इनको नहीं मिला जो ऊपर बैठे थे। आ जा इधर से, आ जा। मुझे ऐसे लग रहा है कि कौवे को आवाज दे रहे हो। पता नहीं ना वो क्या खाते हैं। खाएंगे वो। मेरी भी नहीं लगी इतनी। ये एक कहाँ आ गया है कौवा। अच्छा, यहाँ के कौवे भी एकदम यार कौवा ब्लैक खा कलर ही के नहीं रहा, हैं।
हमारे इधर जो रहते हैं उसका इतना आगे से सुंदर जो है ना, नेक मैं है वो घूमा ग्रे देखो। कलर की होती है, बट ये खारा एकदम खारा खारा ब्लैक है। खारा, ओ फाइनली मंकी का इंतजार कर रहे हैं और मंकीज आज बिल्कुल दिखाई हाँ नहीं दे रहे हैं। विक्ट्री। कहाँ गए हैं भगवान जाने। लो एक आ गया है कहीं से, माता रानी ने मेरी सुन ली है तो ये ओके। आते ही उसने बनाना को उठाया है, खाने लगा है, क्योंकि ये माता के गण है। भगवान राम के साथ भी ये सीता माता को लेने के लिए इन्होंने ही युद्ध किया था, तो मुझे लगता है कि अगर कन्या मुझे नहीं मिली है तो यहाँ पर अगर आ गए धनराज अंकल आ इन्होंने गए। बनाई हुई ये जो मैंने प्रसाद है इन्होंने ग्रहण किया है तो मेरे जो व्रत हैं वो सफल हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं, ये ड्यूटी पर से ही मैंने इनको साथ में लिया है। मैं इनसे बता रही हूँ कि मंकीज नहीं मिले। अच्छा, ये कैंपस के दूसरे साइड में देखिए पपीस आपस में कितने सुंदर हैं, ये किसी लकड़ी को लेकर के झगड़ रहे हैं। तो अब पता चला कि सारे मंकी तो इधर आए हुए हैं क्योंकि यहाँ लंगर बन रहा है। देखिए सब बिजी है। हाँ मैंने वीडियो में ले लिया इनको। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम मंदिर में एंट्री कर गए हैं, माता को प्रणाम किया है, संकल्प ले लिया है, हवन होगा और उसके बाद लंगर छकेंगे और फिर अपने वापस आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं एक दिन छोड़ के फिर अपलोड करूँगी।